ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं मोहाली का, जहां दूसरी पंजाब प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर समिट जारी है। समिट में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह है। पंजाब इनलाइन से ऑनलाइन हो चुका है। दिसंबर 2015 तक पंजाब के सभी गांवों में 4G सेवा शुरू हो जाएगी। साथ ही कहा कि सूबे में 1 घंटे में किसी भी एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। वहीं दूसरी पंजाब प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर समिट में मुकेश अंबानी ने 3900 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, तो ITC ने 1400 करोड़ के निवेश का भरोसा दिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ More than 43,000 crores, which is $7.03 billion. 35% of it is in agro and food processing, 30% in manufacturing, 13% in solar, 8% in tourism, 8% in infrastructure, not the infrastructure of roads and other things, the other infrastructure, then health and biosciences and so on. We in Punjab, a small state, has now 2 international airports, 3 domestic airports, and the 4th domestic airport is under proposal and on a final clearances. Final clearances are going to be received very shortly in Jalandhar. So 4th airport will be in Jalandhar. This year, 2015, our power utility has been rated the best power utility of this country. From 17th, we have taken our power utility into number 1, and it's an A+ rated power utility, and it is in profits now. And I think one of the only power utilities in the country which is in profits. These are some of the major investors. Reliance Jio, Mr. Mukesh Ambani is here. He's one of our biggest investors. What he promised last time, he has delivered. And I was talking to him, and he said, whatever I commit, I do, and he's done more than what he had committed. We have ITC Limited. Mr. Diveshwar, Punjabi by heart, Punjabi by origin, and he committed that he'll build the biggest food park of the country here. Thank you very much, sir. पंजाब में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्रेसिव पंजाब समिट करवाया जा रहा है। तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं पाकिस्तान की गीता की, जो इस वक्त शिमला में है और अपने वतन वापसी का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान में 14 साल से रह रही भारत की बेटी गीता तो स्वदेश लौट आई है। गीता करीब 14 साल पहले भटकते हुए पाकिस्तान चली गई थी। पीएम मोदी ने भी गीता से मुलाकात की और उसके वतन वापसी पर खुशी जाहिर की। लेकिन एक और गीता है शिमला के नारी सेवा सदन में, जो अपने मुल्क पाकिस्तान के गुजरात में वापसी चाहती है। 45 साल की मोहम्मदा को मशोबरा नारी सेवा सदन में रहते हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मोहम्मदा अपनी पहचान में बताती है कि उसके पति का नाम रजाक है, जो कि बिहार में काम करता है, और उसके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि वो अपना पूरा पता नहीं बता पा रही। मोहम्मदा को उमंग संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव सामने लेकर आए हैं। अजय का कहना है कि इस मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। अजय के मुताबिक मोहम्मदा उन्हें कसौली के पास रेन शेल्टर में बेसहारा मिली थी, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि मोहम्मदा पाकिस्तान मूल की ही है। तो भारत की बेटी तो लौट आई है, लेकिन एक और बेटी है जो अभी इंतजार कर रही है अपने वतन लौटने का। हिमाचल प्रदेश सरकार के नारी सेवा सदन जो मशोबरा में है, उसमें एक महिला से मैं 24 अक्टूबर को जाकर के मिला और महिलाओं को भी मिला। उसने बताया कि उसका नाम महमदा है, और पूछताछ में काफी जब बारीकी से पूछा गया तो उसने ये कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, जिला गुजरात से हूँ, जो कि पाकिस्तान में एक जिला है। मेरा निकाह भी पाकिस्तान में हुआ, और यहाँ मुझे हिंदू नाम से, ममता नाम से सब लोग बुलाते हैं, और यहाँ पर मैं मुझे जो है पुलिस लेकर के आई थी। उसको ज्यादा अपनी पिछली याद नहीं है कि वहां से कैसे पाकिस्तान से आई। एक बात वो और बताती है कि उसके पति जो है वो बिहार में है और कहीं पुलिस में नौकरी करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो चाहे जिला गुजरात की है या कहीं और की भी है, उसके पूरे मामले की जांच कराई जाए और उसको उसके घर वापस भेजा जाए। महमूदा कहाँ से हैं आप? गुजरात से, बिहार से आए। पाकिस्तान होता क्या होता बोले तो पाकिस्तानी गुजरात बोलते। अच्छा, आपको पता नहीं है? हाँ।
बच्चे कितने हैं आपके? दो पति कहाँ रहते दो हैं? है, बिहार में रहते पति। कौन सा बिहार में? इधर का दिल्ली के इधर बाजू होता है बिहार। आपकी जो जुबान है कौन सी भाषा में बात करते हैं? भाषा करते हैं मुस्लिम कच्छ। मुस्लिम कच्छ? हाँ। वो कौन सी होती है? वो तो बोली होगी ना। ये फिर कर रहे सो। अच्छा बोलो ना, आप अपनी बोली में कुछ बोलो। क्या भी नहीं, मुस्लिम के बात करते हैं। हाँ भी करते हैं कुछ। मुक्सर के अनाज मंडी में एक महिला कई दिन से धान की फसल बेचने के लिए बैठी है, लेकिन कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं है। फसल नहीं बिकने से महिला किसान खासी परेशान है, जबकि अधिकारी इस बाबत बेखबर है। घर को संभालने वाली ये महिला अब मंडी में परेशान होने को मजबूर है। अनाज मंडी में बैठी ये बेबस और लाचार औरत पंजाब सरकार की तरफ से खरीद इंतजाम अच्छे होने के किए जा रहे दावों की पोल खोल रही है। ये महिला मुख्यमंत्री के जिले मुक्सर के गांव भूंदड़ की रहने वाली है, जो पिछले कई दिनों से अपनी धान बिकने के इंतजार में घर बार छोड़कर अनाज मंडी में बैठने को मजबूर है। एक तो भगवान ने औलाद नहीं दी, ऊपर से पति भी बीमार है, और अब रहती हुई कसर खरीद एजेंसियों की बेरुखी ने निकाल दी है। असि पांच दिनों तो बैठे हैं, घर वाला बीमार चले गया, तो पांच दिनों तो मैं आप आन के बैठी, पोतली धी नहीं रोलन रहे हैं। आ भी गट्टे ती झोने दे नहीं गए, तो रब दे मारे मरे पे। मुक्सर जिले में खरीद इंतजामों का जायजा लेने के लिए आए मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जब इस महिला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, और साथ ही मीडिया को भी एक सलाह दे दी कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को इस महिला की बेबसी अफवाह नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि अनाज मंडी में परेशान हो रही ये महिला चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपनी फसल बेचकर अपने घर जाए और अपने बीमार पति की संभाल कर सके और उसका इलाज करवा सके। जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्सर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा पंचायत चुनाव मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल सरकार की तरफ से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार अपनी शर्तों पर चुनाव करवाती है तो 43% लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि याचिकाकर्ता ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि सरकार के फैसले से 64% लोग प्रभावित होंगे। तो पंचायत चुनाव पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पंकज, आखिर क्या सुनवाई हुई है आज? देखिए, आज दोनों तरफ से बहस फिर से शुरू हुई थी और जो तमाम दावे सरकार की तरफ से दिए गए थे वो याचिकाकर्ता के वकील ने उनको खारिज किया और कहा कि सरकार ये जो डाटा दे रही है वो गलत डाटा दे रही है। आज नॉमिनेशन पर भी कोर्ट ने पूछा था कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार अगर ये पांचों शर्तें रखते हैं तो उस पर नॉमिनेशन को लेकर भी जो सरकार का डाटा दिया गया था वो 67% था, वो भी याचिकाकर्ता के वकील ने गलत करार दिया था। और उसके बाद तमाम जो बहस है अब पूरी हो चुकी है, अब कोर्ट ने जो है मामला सुरक्षित रख लिया है। तो कहीं ना कहीं जो पंचायती चुनावों को लेकर पिछले दिनों से बहस जारी थी और दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी दलीलें पूरी हो चुकी हैं और पंचायती चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही समय पहले मामला जो है सुरक्षित रख लिया है। जी पंकज, अभी तो मामला जो है इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, बहस पूरी हो चुकी है, दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन इसका फैसला कब तक आने की उम्मीद है? कब होगी अगली सुनवाई? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के बारे में नहीं बताया। एक हफ्ते में लिखित तौर पर दोनों को दोनों साइड को देना पड़ेगा और उसके बाद जो होगा सुनवाई के बारे में पता चलेगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें पंचायती चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम तरह की दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही थी वो पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला अभी सुरक्षित रख लिया है। जी पंकज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो हरियाणा पंचायत चुनाव मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और इसका फैसला कभी भी आ सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया। आपको तमाम अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दे, धन्यवाद।